नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। आज केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF स्थापना दिवस है। इसकी स्थापना आज से 52 साल पहले हुई थी। ये भारत का एक सुरक्षा बल है जिसे पैरामिलिट्री फोर्स कहा जाता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 में की गई थी। CISF की स्थापना के समय इसमें कुल 2800 कर्मचारी काम करते थे, परंतु आज इस सुरक्षा बल में लगभग 1,65,000 कर्मचारी हैं। आइए जानते हैं देश के लिए कितनी जरूरी है ये सुरक्षा बल। CISF का मुख्य काम सरकारी कारखानों और अन्य सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना है। इसका काम केंद्र सरकार के औद्योगिक परिसरों की निगरानी करना है। ये बल देश के विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थानों की भी सुरक्षा के लिए काम करता है। ये अपना उद्देश्य को पूरा करने के अलावा कई और कार्य भी करता है, जैसे सरकारी और गैर सरकारी गोपनीय कार्यों को सुरक्षित रखना, बंदरगाहों और हवाई अड्डों को सुरक्षा प्रदान करना, आपदा प्रबंध और आग प्रबंध जैसे कार्यों को पूरा करना, परमाणु संस्थापनाओं को सुरक्षा प्रदान करना। CISF देश के करीब 350 संस्थानों को सुरक्षा प्रदान कर रही है। दिल्ली मेट्रो के 30 लाख यात्रियों और 61 हवाई अड्डों के साथ परमाणु और अंतरिक्ष संस्थान, समुद्री बंदरगाह, बिजली उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र, सरकारी भवनों, ताजमहल, लाल किला आदि की सुरक्षा का जिम्मा CISF के पास है। इसके साथ साथ 102 इकाइयों को CISF अग्री सुरक्षा प्रदान कर रहा है। CISF संस्थानों को सुरक्षा और फायर की तकनीकी परामर्शी सेवाएं दे रहा है। सबसे खास बात यह है कि ऐसे नाम मात्र के उदाहरण होंगे जब CISF की सुरक्षा को भेद दिया गया हो, क्योंकि ये बल अपनी ड्यूटी का पालन बेहद ही अनुशासित ढंग से करती है। इस बल के सदस्यों की कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और त्याग का परिणाम है कि आज CISF न केवल देश के सरकारी और निजी क्षेत्र के संस्थानों को सफलतापूर्वक सुरक्षा मुहैया करवा रही है, बल्कि विदेशों में भी अपनी सेवाएं प्रदान कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाकर देश का नाम ऊंचा कर रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।